दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर, खुश खबरी, श्रम कार्ड है तो मिलेंगे 20,000 रूपए सीधे बैंक खाते में। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे आपको इस कार्ड के लिए कैसे आवेदन करना है, कहाँ पे आवेदन करना है, कौन कौन इस कार्ड को बनवा सकता है और आज के इस वीडियो में आपको आगे फुल डिटेल के साथ बताएंगे। सबसे पहले आप कमेंट में बताओ कि आपने अभी तक ई श्रम कार्ड बनवाया है या नहीं, आप कमेंट में जरूर बताओ। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो चलिए आपको बताते हैं आप ई श्रम कार्ड से कैसे योजनाओं का लाभ ले सकते हो। आपको बताते हैं ई श्रम कार्ड असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों लोगों को काफी फायदा पहुंचाने के लिए 1 सितंबर 2021 को लॉन्च किया था एवं ई श्रम कार्ड रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था एक पोर्टल और ई श्रम कार्ड के लिए साज आप करने वाले कामगारों को शिवम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आधार नंबर की तरह एक राष्ट पहचान संख्या UN की कार्ड दिया जाता है। आपको बता दें ऐसे कामगार आगे चलकर MP UP बिहार श्रम कार्ड ऑनलाइन पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन का रोजगार हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें आगे जानकारी ई श्रम कार्ड, तो आपको बता दें ई श्रम कार्ड पोर्टल असंगठित क्षेत्र के मजदूर और कर्मचारियों की सभी सूचनाओं के आंकड़ों को ट्रैक करने और इकट्ठा करने के लिए लॉन्च किया गया है। इकट्ठी की गई जानकारी का उपयोग असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए नई योजना और नौकरी की संभावनाओं के लिए किया जाएगा। आपको बता दें असंगठित को होने वाले जो घर से काम करते हैं और बेरोजगार करते हैं या फिर असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करने वाले कामगारों को, आपको बता दें ई श्रम कार्ड पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए आवश्यक दस्तावेज, देखिए सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, फिर आपके पास बैंक पासबुक होना चाहिए, फिर बिजली बिल या फिर राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए या फिर आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि ऑनलाइन चालू हो, ठीक है, तभी आप इस कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों आप इसके लिए आवेदन जनसेवा केंद्र पर जाके आवेदन कर सकते हो। आपको सरकार की तरफ से 20,000 रुपये दिए जाएंगे और अगर आपके पास ये श्रम कार्ड है तब आपको सरकार की तरफ से योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों यह आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट